हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्नोफ्लेक डायरीज। सो आज है क्रिसमस, सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और मैं क्रिसमस के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अभी निकल जाऊंगी, तो आप लोग भी देखते रहिए मैं कहाँ जाती हूँ। मेरा कुछ प्लान था कि बहुत जगह जाने का, पर नहीं हो पाएगा। मैं थोड़ी बहुत घूमूंगी और उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं मैं दूसरी ड्रेस पहनने वाली थी, पर अब सोच कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं पहन पाई, यही पहन लिया। आप लोग को पूरा आउटफिट मैं दिखा दूंगी बाहर निकल के। सो आज मैं और एक जगह पे जा रही हूँ, मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि बाहर आज बहुत ही क्राउड होने वाली है। सो आज मैं जा रही हूँ पायरेट्स ऑफ ग्रीन। बहुत ही एक्साइटेड हुआ आज मैं, क्योंकि उधर अनलिमिटेड फूड है, ओनली 700 में आप लोग को नॉन वेज मिल जाएगा उधर। और पायरेट्स ऑफ ग्रीन है सिटी सेंटर में, सिटी सेंटर का 4th फ्लोर में है, तो आप लोग भी बने रही और देखेंगे आज की मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो अभी मैं शॉप में कुछ सामान देख रही थी, उसके बाद मैं निकल चुकी थी सिटी सेंटर के लिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं रास्ते में बहुत ही जाम है, और अभी मैं जल्दी जल्दी चली जाऊंगी सिटी सेंटर में, आप लोग ज़रूर देख पाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इतना मतलब भीड़ था उस दिन, मतलब धक्का डुक्की होने का चांसेस था, मतलब गेट सब बंद हो चुके थी। और उसके बाद मैंने एंट्री कर लिया है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मतलब मैंने फास्ट टाइम लाइफ में ऐसा देखा है कि मॉल में इतना भीड़। तो अभी मैं चली जाऊंगी 3rd फ्लोर में, उधर बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स बैठे हुए हैं क्रिसमस के लिए, और बहुत सुंदर सुंदर मतलब आप लोग खरीद सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इधर मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, जैसे कि केक, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डिज़ाइनिंग चीज़ें था। उसके बाद इधर है कपकेक्स और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ था क्रिसमस के लिए, और इन सब का प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं था, बस 100 या फिर 20 ऐसा ही कुछ था। और अभी मैं जल्दी जल्दी चली जाऊँगी पायरेट्स ऑफ ग्रिल में। और आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि इधर बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया हुआ है। उसके बाद मैंने एंट्री कर लिया है पायरेट्स ऑफ ग्रिल में, और यही टेबल हम लोग का बुक था, तो इसलिए उन लोगों ने हम लोग को सीट्स दिया है बैठने के लिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर उधर बैठे ही थे कि स्टार्टर्स अभी स्टार्ट कर देंगे। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा स्टार्टर्स है इधर, जैसे कि मोमो, ये बहुत ही डिलीशियस था। और इधर एक चटनी था जो बहुत ही स्पाइसी था, और ये है कुछ पोटैटो का कुछ कुछ था, मतलब मुझे इतना याद नहीं है। उसके बाद हम लोग को मिलेगा फिश पकौड़ा। और आप लोग इधर देख पा रहे हैं कि ग्रिल में था चिंगड़ी, जो कि बंगाली में बोलते हैं, और था कबाब और चिकन तंदूर था। और हम लोग को अभी मिल जाएगा एक पाइनएप्पल, बहुत ही टेस्टी था, कुछ हनी से बना हुआ था, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको जितना खाना है, जितना लेना है, आप ले सकते हैं। उसके बाद उन लोगों का स्टाफ ने कुछ हम लोग को एक्सप्लेन किया था, जो कि मैं नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत ही मतलब म्यूज़िक का मतलब शोर था। और अभी मैं इधर बोल रही थी कि खाना बहुत ही टेस्टी था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बोल रही थी, पर अफसोस मैं ये वॉइस नहीं दे पाई क्योंकि उधर मतलब म्यूज़िक चल रहा था इसलिए। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मेन कोर्स में, और मेन कोर्स में बहुत सारे डिश थे, जैसे कि सलाद, आप लोग देख पाएंगे मुझे इतना याद नहीं है, पास्ता, उसके बाद ये भी कुछ था कॉर्न का, और ये है दही का, दही वड़ा जो होता है वही, और ये था जस्ट एक प्लेन दही, और सलाद था, अनियन था, और ये है चिकन टिक्का, उसके बाद है पापड़, उसके बाद कुछ चटनी था, ये है शिमला मिर्च, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अनियन, मैंने पहले सोचा था कि ये रसगुल्ला है पर नहीं। उसके बाद ये पपाया था, और उधर है वाटरमेलन, मैंने वाटरमेलन बहुत सारे खाए हुए क्योंकि बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मीठा मीठा। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडियन डिश में,
इधर है प्लेन राइस और दाल मखनी, और इधर है पालक पनीर, और साइड में था कुछ पनीर का, और ये है बटर चिकन और छोले। ये कुछ पनीर का कुछ डिश था, मैं नाम भूल गई, बहुत ही टेस्टी था। और ये है बिरयानी, ये भी बहुत टेस्टी था, लेकिन चिकन का पीस थोड़ा कम था इसलिए मैं थोड़ा नाराज़ हो गई। और ये है चिकन, और साइड में था मसाला चिकन। फिर मैंने थोड़ा बहुत सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद मैं खाने के लिए बैठ गई, और इधर हम लोग का नान भी आ चुका था। तो अभी मैं सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ, टेस्टी तो बहुत ही था, मेरा मुंह देख के समझ रहे हैं आप लोग। और अभी मैं चली जाऊंगी चाइनीज़ डिश की तरफ, और ये है वेज फ्राइड राइस। और मैंने लिया ही नहीं, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसको थोड़ा मतलब मैंने सर्व कर दिया। और उसके बाद था वेजिटेबल सूप, उसके बाद था ये भी कुछ सूप था। और ये है चटनी, और उसके बाद था कुछ सूप जैसा कुछ था, चाहिए जिसका नाम मुझे नहीं पता है इतना, इसीलिए मंचूरियन था शायद। और उसके बाद था चाउमीन, ये था चिकन चाउमीन शायद, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैं नहीं बोल सकती। मेरा जो फ्रेंड था उसको ही मैंने सर्व कर दिया थोड़ा। मेरा प्लेट पूरा खाली था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मैं बिरयानी टेस्ट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने बिरयानी ले लिया, और मेरा जो फ्रेंड था उसने भी बिरयानी ले लिया है। और इधर था कुछ हैदराबादी टाइप का बिरयानी, और नेक्स्ट था ये भी कुछ चिकन का डिश है, दो ही चिकन का डिश है। उसके बाद है चिकन मसाला, उसके बाद मैं ट्राई कर लूँगी मटन, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्लेट पूरा ही भर लिया है। उसके बाद मैं ट्राई करने चली जाऊँगी सूप, मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है ट्राई करने के लिए। उसके बाद मैं चली गई आइसक्रीम लेने, तो हम लोग का नेक्स्ट था रसगुल्ला, तो मैंने इधर मेरा फ्रेंड को दे दिया है दो रसगुल्ला, वो बहुत ही राक्षस था इसीलिए। तो हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं गुलाब जामुन, मैंने ले ही लिया, आप लोग मत सोचिए कि मैं ले रही हूँ, मेरा फ्रेंड ही ले रहे हैं। और उसके बाद कुछ था हलवा टाइप का, और नेक्स्ट था कुछ दाल का कुछ हलवा था, आप लोग देख पाएंगे अभी जल्दी जल्दी, हाँ यही था दाल का हलवा। इधर मैंने भी ले लिया एक रस मलाई, और उसको भी दे दिया मैंने एक रस मलाई। और इधर था जलेबी, ये तो सबको ही पसंद है जलेबी। और इधर हम लोग का हो गया है, तो हम लोग अभी हम लोग के टेबल में चले जाते हैं। और मैं ले लिया है वाटर मिलन, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसलिए, तो जल्दी जल्दी मैं खा लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ कुल्फ़ी लेने, कुल्फ़ी लेने के बाद इधर बहुत सारे केक्स था, मैं इतना स्वीट्स नहीं खाती हूँ इसलिए मुझे नहीं पता इन लोगों का नाम, मैंने थोड़ा भी नहीं ट्राई किया, तो इसलिए मैं जस्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इधर है कुल्फ़ी, मेरा फ्रेंड सजा रहा था इसको। उसके बाद मैं यही बोल रही थी कि अभी मेरा खाना पीना सब कंप्लीट, और इधर हम लोग घर चले जाएंगे अभी, तो वही जस्ट बोल रही थी, तो चलिए हम लोग घर जाके आप लोग के साथ बात करती हूँ। तो
अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है और मुझे मतलब मैं एकदम इवनिंग को निकली थी 3:30 ऐसे को। अभी तक मैं घर में मतलब बहुत ज़्यादा घूम ली आज, पर मैं चार्ज ये सब में नहीं जा पाई क्योंकि बस का कंडीशन बहुत ही मतलब ख़राब था आज, क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत ही क्राउड था तो मैं नहीं जा पाई। वो लोग आप वीडियो में देख पाएंगे। और अभी मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को उसके बाद मैं रिव्यू उसका सब बता दूँगी, मैंने क्या खाया है आज सबका रिव्यू मैं बता दूँगी। तो चलिए मैं फ्रेश होके आती हूँ। अभी मैं फ्रेश होके चली आई हूँ और आपको आप लोगों को मैंने जैसे कि बोला ही था, उन लोगों का सर्विस बहुत अच्छा था और ओवरऑल फूड का बारे में आप लोगों ने तो देखा भी है और अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे सब बहुत ही पसंद आया है। सिर्फ बिरयानी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा उतना। और बहुत ही अपकमिंग वीडियोस आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये ब्लॉग शायद थोड़ा लेट करके मैं अपलोड करूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है और मेरा एग्ज़ाम्स भी है इसीलिए। तो आज का वीडियो मैं यही एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।